माजूरों का मोर्चा जिला परिषद के दफ्तर पहुंचा। यहां इन्हें जिला परिषद के चीफ ऑफिसर से मिलने से रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से बरहमी जाहिर करते हुए तमाम माजूर मुजाहरीन ने नाराजगी जाहिर की और जिला परिषद के मेन गेट को धक्के दे देकर तोड़ दिया। हालात पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। जिला परिषद से निकलकर ये लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचे। यहां भी इन लोगों ने ज़बरदस्त हंगामा किया और कॉरपोरेशन इंतजामिया पर माजूरों के साथ नाइंसाफी करने का इल्ज़ाम लगाया। कॉरपोरेशन दफ्तर से होकर ये लोग दफ्तर जिला कलेक्टर पहुंचे। यहां भी इन लोगों ने काफ़ी देर तक एहतजाज किया और ज़िला इंतजामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और माजूरों के साथ नाइंसाफी का इल्ज़ाम लगाया। माजूरों के तंजीम की जानिब से यह एहतजाजी मोर्चा निकाला गया था। तंजीम के जिम्मेदारान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने मसाइल के बारे में कुछ इस अंदाज में मालूमात दी। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका और महानगर पालिका, इनके तरफ का जो दिव्यांगों का राखी निधि है, 5% निधि जो गए सालों से अभी तक खर्च नहीं हुआ, इसके निषेधार्थ आज गाड़ो मोर्चा हम लाए हैं सभी स्थानिक और नागरिक स्वराज्य संस्था के खिलाफ। वैसे ही संजय गांधी निराधार लाभार्थियों को उनके टक्केवारी के अट से संजय गांधी निराधार का मानदन नहीं मिलता और बेरोजगार दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए जगह नहीं मिलती, उनको रहने के लिए घरकुल नहीं दिया जाता, इसके निषेधार्थ आज गाड़ो मोर्चा संबंध नांदेड़ जिले के दिव्यांग बांधव और भगिनी ने सब जिले स्तर के सब जिला शासकीय कार्यालय के ऊपर गाड़ो मोर्चा निकाले। हमारी 3% निधि के लिए जो मांग थी पिछले कई दिनों से प्रलंबित है, इसके लिए प्रशासन के अधिकारी कोई दुर्लक्ष कर रहे हैं सभी और बार बार हमको खाली आश्वासन दे रहे हैं और सिर्फ आंकड़ा बता रहे हैं कि इतने जनों का हम पास किए, इतना हम RTGS करना है, मगर हमको कौन सी तारीख में करना है वो नहीं बता रहे। तो इसके लिए हमने आज गाड़ो मोर्चा निकाले। हम सुबह से यहाँ पे सभी अपंग आए वाले हैं, दिव्यांग लोग, मगर प्रशासन का कोई भी अधिकारी आकर यहाँ पर दखल नहीं दे रहा है और कोई भी जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हम इसके विरोध में आगे इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन करने का अभी हमने सोचा है।